here. Yeah. ये अपने बाल दिखा रही है. Yeah, नहीं भाई, भाई के बाल लंबे हैं. नरक नरक. भाई आप कहोगे रोमेनिया आने का प्लान कैसे बना. भाई प्लान इसलिए बना क्योंकि मेरे को रोमेनिया काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था. इनकी हिस्ट्री कम्युनिस्ट हिस्ट्री इनके पहले रह चुकी है. उसके अलावा यहाँ पे हैं कासल्स. रोमेनिया इज़ नोन फॉर इट्स कासल, वैम्पायर्स, ड्रैकुलाज और काफ़ी डार्क हिस्ट्री रही है रोमेनिया की. तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था. यहाँ पर इनकी खुद की करेंसी है भाई, रोमेनियन ले, जो करीबन 5 रोमेनियन ले इज़ इक्वल टू 1 यूरो. और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है भाई, काफ़ी बड़ी कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप में आती है, बॉर्डरिंग यूक्रेन, हंगरी, शायद पोलैंड का थोड़ा बॉर्डर भी आता है और सर्बिया का भी आता है. मैं यहाँ पे मैप डाल दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा भाई रोमेनिया कहाँ पे है बॉर्डर पे. अभी मैं यार खाने पीने जा रहा हूँ थोड़ा सा, फिर यहाँ पे कम्युनिस्ट म्यूज़ियम है, मैं वहाँ पे जाऊँगा. और रोमेनिया इज़ पॉपुलर फॉर दिट्स रोमा ट्राइब, जो ओरिजिनली इंडिया से आए थे. दे आर ऑल्सो कॉल्ड जिप्सीज, बट उनको रोमा ट्राइब के नाम से रेफर करा जाता है. सबसे बड़ी पॉपुलेशन उनकी यहाँ पे है क्योंकि पुराने टाइम में आके यहाँ पे सेटल हो गए थे ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया. रोमा ट्राइब आपको यूक्रेन में भी मिल जाएंगे, रोमेनिया में तो मिलेंगे और आई थिंक मोल्डोवा में भी मिलते हैं. यार मेरे ना जो होस्ट थे हॉस्टल पे, उन्होंने बोला टिमिशवारा बेकरी है वहाँ से कुछ खाना. ये ब्रेड टाइप है, इसके अंदर चीज़ डाला है और यह है 5 ले की, मतलब 1 यूरो की. 5 ले ऑलमोस्ट 1 यूरो के करीब होते हैं. तो खाते हैं भाई. बेसिकली पैटीज है भाई चीज़ के साथ अंदर. यार सामने जो कैथीड्रल दिख रहा है, ये मेन कैथीड्रल है ऑफ टिमिशवारा, इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा. और ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा ना यहाँ पे स्क्वायर है. पता है आपको स्क्वायर कैसे पता चल जाएगा कि किसी यूरोपियन सिटी का मेन स्क्वायर क्या है? आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे. अगर मैकडोनल्ड्स हो तो पक्का वो स्क्वायर ही है, टाउन स्क्वायर ही है. ऐसे कैफेज वैफेज रेस्टोरेंट दिख जाएंगे और जनता दिख जाएगी बैठी हुई कॉफ़ी पीती हुई. यूरोप में तो काफ़ी पॉपुलर ट्रेंड है ही. मैं इस कैथीड्रल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस कैथीड्रल के पीछे काफ़ी सारे गार्डन्स हैं और ये गार्डन्स भी हैं, ये रोज़ गार्डन्स हैं. यहाँ पे रोज़ेस दिखेंगे आपको. रोमेनिया यार थोड़ा सा महंगा है बीइंग ए ईस्ट यूरोपियन कंट्री. यहाँ पे प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से, बट एक्सप्लोर करने के हिसाब से ठीक है. हफ्ता 10 दिन बिता सकते हो आप. मैं यहाँ पे हफ्ते के लिए आऊँगा तो देखते हैं भाई कितना खर्चा होता है और क्या क्या जगहें देखते हैं. ये कैथीड्रल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अंदर से भी दिखाता हूँ. यार यहाँ पे तो आया, कहते हैं कि यहाँ पे बस स्टेशन, और आपको बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन जाना पड़ेगा पूछने के लिए, यहाँ पे नहीं पता चलेगा यहाँ पे. लेकिन ट्रेन शेड्यूल लिखा हुआ है हर जगह. बट यार रोमेनिया में मेरे को सबने बोला है ट्रेन ज़्यादा फेमस है देन बसेस. और यहाँ ना यहाँ पर भी आपको जो क्रिश्चियन लड़कियाँ होती हैं, क्रिश्चियन वेमेन होती हैं, यू कैन सी देम कवरिंग देयर हेयर विथ वो ऊपर उन्होंने गमछा टाइप डाला हुआ होता है. वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में होता है. या पुरानी ओल्डर जनरेशन की औरतों को देखोगे, उन्होंने पहना हुआ होगा यहाँ पे भी. अगर कोई दिखता है सामने तो आप रिकग्नाइज कर लेना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. जैसे अरब वर्ल्ड में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है, बट विद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस. चलते हैं भाई, क्रॉस करते हैं. यार ऐसे ना बड़े गार्डन्स बने हुए हैं रोमेनिया में. रोमेनिया में खैर टिमिशवारा में तो हैं यहाँ पे. और मेरी फ्रेंड जो थी भाई मॉन्टेनिग्रो वाली, आपने वीडियोस देखी होंगी तो उसमें वो थी, उसको भी आना था यहाँ पे बट वो आ नहीं पाई. तो उसने बोला था भाई आप गार्डन्स में जाना कुछ में. ये रोज़ गार्डन, यहाँ पे ना परफॉर्मेंस भी होती है, कुछ एम्पी थिएटर टाइप बना हुआ है. काफ़ी पीसफुल सी जगह है यार, प्यारी सी जगह है. मतलब आके बैठो, रिलैक्स करो. देख रहे हो भाई क्या प्यारी जगह है. ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होता शादी का बनाया हुआ होता है, सारे इकट्ठे हुए हुए हैं. अभी मंडप सेटअप होगा वहाँ पर और यहाँ पर स्नैक्स चलेंगे, ऐसे फील आ रही है भाई. या फिर मेरे को इंडिया की याद आ रही है भाई. मेरे को 2 महीने बाद इंडिया की और दिल्ली की दोस्तों की फैमिली की याद आने लग जाती है भाई. मैं 2-3 महीने से ऊपर ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता.
मैं 6-8 महीने आपको कभी घूमता हुआ नहीं मिलूंगा, अनलेस भाई को ये लंबा मिशन हो। मैं इतना लंबा नहीं घूम सकता यार, मेरे को अपनी परिवार की याद आनी शुरू हो जाती है। भाई ये तो क्रिसमस ट्री लग रहा है, बट ये है थोड़ा वाइट और ग्रे टाइप का। कितना प्यारा लग रहा है यार, ये ऐसी लाइन में लगे हुए हैं सारे। मेरे को लगता है क्रिसमस ट्री है बड़े वाले, जो अपने इंडिया में तो यार वो फेक वाले होते हैं जो हम लोग अपने घरों में नहीं लगा देते, यहाँ पे तो रियल वाले उगते हैं भाई। तो यार ये जो देखी ना पीछे नदी आपने, इसको कहते हैं बेगा रिवर, ऐसी है। और मैं जा रहा हूँ अभी, कम्युनिस्ट पब है यहाँ पे, वहाँ पे जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पब है, वहाँ पे म्यूजियम है और अंदर कम्युनिज्म के बारे में बताया जो पहले था रोमानिया में। थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे हम लोग। मैं तो नेचर में मंत्रमुग्ध हो गया आज, काफ़ी हिंदी बोल दी यार आज। हिंदी बोलने का मन करता है यार जब बाहर होते हो। इंग्लिश ठीक है पूरा दिन बोल ली अपनी, जब तक भाषा ना बोलो ना, दो लफ्ज़ ना शेयर करो भाई मज़े नहीं आते। दिन के दो गालियाँ दोस्तों से ना सुनो ना तो मज़े नहीं आते। कमेंट में मत बोलना भाई, कमेंट में मत बोलना, समझ गए ना यार। ये पुराने टाइम की फुटबॉल टीम होगी मेरे हिसाब से। फुटबॉल तो भाई पूरे यूरोप में ही फेमस है, रोमानिया में भी काफ़ी फेमस है, इनकी खुद की टीम भी है। और ऐसे ना आपको काफ़ी यहाँ पे पोस्टर, साइन बोर्ड्स, कुछ कम्युनिज्म से रिलेटेड, कुछ टेनिस से रिलेटेड। भाई टेनिस भी काफ़ी फेमस है रोमानिया में, और कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक, आर्ट परफॉर्मेंसेज उससे रिलेटेड लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो 1900-1921 इन ब्लैक एंड वाइट आर स्टोरीज हैव बिगन। मेरे को लगता है कम्युनिज्म से ही रिलेटेड है ये। और फुटबॉल क्लब लिखा है ऊपर, आई थिंक फुटबॉल क्लब लिखा है ऐसा कुछ है। पहन के देखते हैं। Now look like a proper communist. Okay. I think मैं ये पूरा टूर में ये पहन के चलूंगा। Do you think it looks cool on me? Looks great. I look like a proper communist. Yeah, definitely. Yeah. Fits you. I just want like a proper uniform, you know, and I'll be good to go. Definitely. You know? Conquer the lands. Yeah. तो चलते हैं भाई। वो कह रही थी कि आप चीज़ें उठा सकते हो, मैंने ऐसी नहीं उठा ली भाई, चीज़ें आप उठा सकते हो बट वहीं पे रख देना वापस। तो ठीक है। तो यार ये कम्युनिस्ट म्यूजियम तो नीचे है, यहाँ पे ऊपर पब बना हुआ है। हेलो, यार ये बच्चों का प्लेइंग वाला है जो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता प्ले करने के लिए शायद, और ऐसा कुछ बना हुआ है। ये गेम्स पड़ी हुई यहाँ पे बच्चों की, पुराने टाइम की, उठा उठा के देख सकते हो यार आप एक एक। कोई रोक टोक नहीं है बट हाँ, हालांकि उन्होंने बोला था कि वहीं पे वापस रख देना भाई। ये पुरानी ये रशियन औरत लग रही है, पुराने टाइम की, कम्युनिस्ट टाइम्स की। ये ऐसे स्टार होता था कम्युनिस्ट इनकी टोपी पे। ये डायरीज पड़ी हुई है भाई, पता नहीं क्या क्या है ये। चलती है यार ये बंदूक का है। यार पुराने कम्युनिस्ट घर के ना पार्ट्स ऐसे यहाँ ला के रखे हुए हैं। ओ भाई कुत्ता, नहीं नहीं अच्छा असली नहीं है भाई ये, मेरे को एक सेकंड के लिए लगा असली है। असली तो नहीं है, नहीं नहीं असली नहीं है, नहीं मेरी फट गई भाई एक सेकंड के लिए। कहाँ से कुत्ता कहाँ से खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये है भाई ऐसे पुराने टीवी और ये जो रिकॉर्ड्स नहीं होते वाइनल रिकॉर्ड्स टाइप, ये रेडियो, ये सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। हेलो हेलो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बस
हो गया। हेलो गाइस, हम खा रहे हैं ट्रेडिशनल रोमेनियन पिज्ज़ा। आप पूछोगे भाई पिज्ज़ा में क्या ट्रेडिशनल है, भाई ऐसे थैली में पन्नी में रैप करके कौन देता है, ये शायद सिर्फ रोमेनिया में होता है, मैंने आज तक पहली बार देखा है। पन्नी में मेरे को पिज्ज़ा का स्लाइस मिला है। टेस्ट तो बढ़िया है। यार यहाँ पे ना ऐसे आपकी रोमा लोगों की ऐसी ड्रेस होती है, मैंने देखी है। एक मैं एक पिक्चर डालूँगा जहाँ पे रोमा लोगों ने अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा पहनी होती है, उसकी मैं ड्रेस डालूँगा। रोमेनिया यार ये वाला पार्ट काफ़ी ओल्ड स्कूल और कम्युनिस्ट कभी भी लगता है। ये पूरी ट्रैम्स पुरानी वाली नई वाली भी हैं और चर्चेज ऐसे बने हुए हैं, इसके अंदर मैं जाऊँगा अभी। और मिक्सर है, पता है ओल्ड एंड न्यू का मिक्स है मेरे हिसाब से। यार ये देख लो सोवियत मोज़ेक, ऐसे होते थे कम्युनिस्ट टाइम्स पे मोज़ेक्स, देख सकते हो कारीगरी करी गई है बिल्डिंग पे। यार यहाँ पे ना ट्रेन स्टेशन पे सारे ऐसे लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हो, आराद, तिमिश्वारा, कॉन्स्टेंटा जो पोस्ट पे है, ब्लैक सी पे, बुकारेस्ट नॉर्थ। यहाँ पे भी ना जैसे फ्रांस में यूज़ करते हैं चार्ल्स डी गॉल ड्यू नॉर्थ, वैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे बुकारेस्ट इन नॉर्थ ऐसा लिखा हुआ है। ब्राशोव भी जाऊँगा, बुकारेस्ट ऐसा कुछ है। मैं अपनी ट्रेन टिकट ही ढूंढ रहा था रात को कहाँ जाना है मैंने नेक्स्ट, या तो शिबू जा रहा था मैं, सिबियू, या फिर मैं जा रहा था कहाँ जा रहा था, क्लूज नापोका। तो देखते हैं भाई कहाँ जाते हैं। ये है ट्रेन स्टेशन, ऐसा कुछ है, पूरा ट्रेन स्टेशन है, ये पूरा ट्रेन स्टेशन है यहाँ पे। रात को मैंने आना है यहाँ पे 11:30 बजे। अभी मैंने टिकट बुक नहीं करी है अभी, क्योंकि मेरे पास रोमेनियन ले नहीं है, पहले रोमेनियन ले लाऊंगा। बस मैं इंफॉर्मेशन ढूंढने आ रहा था, रोमेनियन ले लेके यूरो से कन्वर्ट करा के फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा। ऐसा कुछ बना हुआ है भाई, पहले मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे ट्रेन सारी लिखी हुई है, कहीं पे भी जा सकते हो। कहाँ जाना है, ओर्सोवा, चिम्बोलिया, रेसीथा नॉर्थ, आराद तो मैं जाऊंगा, आराद से होते हुए जाएगी बुदापेस्ट तक भी जाती है पूरी ट्रेन, बट स्लो है, इनकी ट्रेन्स काफ़ी स्लो है। Germans na bahut peete hain. Can you say the word again? The word Frühschoppen. Frühschoppen. Then do the honors. Drinking beer for breakfast. Yaar ye log beer peete hain breakfast ke liye. Itni drinking capacity hoti hai inki. Okay, you do the honors then. What? Romanian wine. That's okay. Still, your traditions are traditions. We don't have glasses. Okay, I'll get the glasses. But I'm drinking beer. I think it's good glasses. I'm here with bhai Raul ke saath hain. Hello Raul everybody. Is a real Romanian? The true Romanian. True Romanian. Okay, you can answer some questions for me. For sure, if I know. Yeah, you will know. I think you will know more than me at least. Hopefully. I've heard that in Timișoara, it's where the Romanian Revolution started. Is that true? Yeah, it started in Victory Square in 1989. Oh, wow. It started here. Then we heard what's happening in Timișoara. So everybody went on all the streets in the major cities. And that's how we got rid of Ceaușescu. Ceaușescu, right? Yes, he was the dictator. Yeah, Ceaușescu, yahan pe na, jo Romanian dictator tha under communist time, unke bare mein baat ho rahi hai.
And I also wanted to ask another thing. Like, do you think that the older people, they like the communist times, or do they like the time that is now? Because I think Romania is part of European Union, right? Yes, we're part of the European Union. Not Schengen, but European Union. Not Schengen, but European Union. But okay. Because of the Dutch doesn't want us to get into Schengen now. Bad Dutch. But, yeah, the Dutch. He's a nice Dutch. He's but, a nice guy. He's a nice yeah, guy. Yeah, yeah. So we're not in Schengen yet. But I think the borders are pretty fine and secure. Right. But, they didn't want us to join. So hopefully we will join soon, but we are in the European Union. And what do you think the older generation, do they like this time now, or yes, do they like the communist time? I think the only people that want the or would like the communists to come back is the ones that had influence, or they were closer to Ceausescu, let's say, or okay, closer to this, and they benefited. Uh-huh. Mostly because the normal people, they will not know, prefer. No, no. So, okay, so only those, I think, would like the communism. And I wanted to ask, like, do older generation, they also know how to speak in Russian? Or how is it like? Or no? Not at all. Yes, our grandparents knew Russian because they would teach. Uh-huh. Because back when we were part of the USSR, yes, they were still teaching Russian in school. So do they teach now also? No. Yes. No. No. Now it's English. English and almost Romanian. Everybody learns English. Uh-huh. And then we have German or French. German or French, okay. Mostly, yeah. Hostel mein baithe hum tino. Hum charo, rather. Okay, wow. No, they are not that long. You said till here. Yeah, yeah, yeah. Ye apne baal dikha rahi hai. Yeah. Bhai ke baal lambe hai. But why did you put it in a knot? Because like, that's maybe too much hair. And we're about to introduce. Maybe you guys can introduce yourselves. Ah. Oh, I don't think I'm able. I am Sian, and I'm learning you a really useful trick. Put the pencil in your mouth. Uh-huh. Okay. That's not necessary though. And now you take the hair. Uh-huh. You make sure that you get all the like tiny strands. Stupid hairs down there. Count, eh? Then you take the pencil, maybe quickly put it in your mouth before. Uh-huh. And then you make sure you that can call it the hair, and you put the pencil on top of it. Then you twist it around, but uh-huh, you shouldn't do it too tight. All then right. you pull the pencil. Uh-huh. Right. Yeah, yeah, that's it. That's it. That's the spot. And uh-huh, you have yeah, a knot. Alright. Awesome. My name is Sian. Sian. And yeah, you're the hostel manager here. Yes. You're working. Well, I'm pretending to be, but yeah. Alright. And you, the stalker. I'm the stalker, Jacqueline. Yeah. Jacqueline. Yeah, Jacqueline, but okay, people call me Jackie. Okay, Jacqueline. Jackie. Okay. Alright. Easier now. And you, the Italian. Yeah, I'm Bianca. I don't know. Okay. I don't really know. Your time is up. Theek hai bhai, ye logo se baat cheet karenge baad mein. What is this? Is it like self-made? I don't go from what I'm... Yeah, yeah, the father of the owner. Kitasi Tarkon. Yeah, in the northern part with of Romania. To be honest, is it like Romanian, like... Palinka. Oh, I had Hungarian palinka, and that's like the worst. Oh, same, actually. This I don't is know. Just is like, better. All right, let's just... Okay. Oh, yes. Narok.